दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना, लाइक्स और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, हमने शिव पुराण का पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता सुनी, दूसरी संहिता रुद्र संहिता सुनी। रुद्र संहिता का भाग सती खंड सुना, दूसरा भाग पार्वती खंड सुना और तीसरा भाग हमने श्री गणेश जी का शिर छेदन कैसे किया है वो भी सुना। और आज हम और एक, हाँ, अपने शिव पार्वती का विवाह की भी वीडियो डाली है मैंने, दसवां है वो वीडियो, पार्ट दसवां है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने आपको वीडियो सुना दिए हैं। आज हम शुक्राचार्य का अध्याय करने वाले हैं। शुक्राचार्य याने उनके पास संजीवनी विद्या की प्राप्ति थी। जो मृत शरीर हुए हैं उनको जीवित करने की, मृत शरीर हुए हैं उनको मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति शुक्राचार्य के पास थी। मृत्युंजय विद्या उनके पास थी, इसलिए वो जो भी मृत शरीर वाले उनके कोई भक्त मर गए हैं तो उनको जीवित करते थे। ये भी बहुत ही अच्छा अध्याय है। तो दोस्तों, ध्यान देकर सुनना और श्रावण मास में ज़रूर श्रवण करना और शेयर भी करते रहना। आगे आपको ही उतना पुण्य मिलेगा कि आगे कोई कहानी पढ़े सुने। तो दोस्तों, चलिए अपन आज फिर शुक्राचार्य का अध्याय करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारी सुसर्वदा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम रेम गौरी नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। वैद्य जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बताइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो गई महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया, वे अपने तेज से ही बच गए। फिर वह शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली परम विद्या को कैसे शांत किया। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक देवते ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। कृपा कर शंकर जी के इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। अमित तेजस्वी वैद्य जी ने ऐसा पूछने पर शंकर जी के चरणों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहने लगे, हे वैद्य जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा तब भाग कर शंकराचार्य शुक्राचार्य जी के शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारे उन्हें प्रयत्न कर दैत्यों की सर्वतोभावन रक्षा करने के लिए बुला लाए। शुक्राचार्य ने आकर विद्वेश का स्मरण करे मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र लेस होते हुए भांति एक साथ ही उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव की नंदी आनंदी गणों से विभीषण युद्ध करने लगे। यह देव शिव के गण द्वारा थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या का प्रयोग को शिवजी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिवजी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ ला। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहाँ दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में से उनको ऐसे पकड़ लिया कि जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। वस्त्रों अस्त्रों और आभूषणों सहित शुक्रों को दैत्य ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की किंतु न छुड़ सके। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों को सैकड़े शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाए। शिवजी ने उच्च स्वर में आकार करते हुए शुक्रों को पल के समान अपने ही मुख में रख लिया। वैद्य ने पूछा कि शिवजी द्वारा शुक्राचार्य के निगल जाने पर क्या हुआ तथा अंधक के महावीर दैत्यों ने क्या किया। सनत कुमार जी बोले, शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने को बड़ा उद्योग करने लगा। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्ष तक सातों लोकों को और पाताल में खोजने पर भी उसमें इसी
प्रकार के कोई छिद्र उन्हें न मिला। जिस प्रकार खल पुण्यात्मा में दोष नहीं देख पाता, तब शुक्र शिव के पद दिए हुए पूर्व मंत्रों को जपते, दो बार शिव के वीर्य रूप से उनके उदर पजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए, शिव जी को प्रणाम किया, पार्वती ने पुत्र मानकर विघ्न रहित किया, तब लिंग द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी ने कहा, हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर्य के रूप में निकले हो, इस कर्म से अब आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति और आज्ञा ली, पुन्ना दैत्यों की सेना में चलाए। यह तो शुक्र के शिव जी के उदर से निकलने का वृत्तांत है। अब इस मंत्र को सुनो, जिसे शुक्र ने शिव के उदर में जपा हुआ था। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवसाय, सुरासुर नमस्त्रुकुताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वे उत्तर कुर्य उत्कट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पर फिर वेद पैटी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसके प्राण संचार किए, त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा कि मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगे। शिवजी चुपचाप रहे वह भी मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गए। शिवजी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली, उसे अपने अद्भुत जन्म का पर्व वृत्तांत स्मरण हो गया, उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपने माता पिता का प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। बुद्धिमान शिवजी ने तथा पार्वती जी ने उसके मस्तक को सूंघा, फिर तो उसने प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गानपत्य वृत्तांत है जो उसने महादेव जी से प्रसाद से पाया था। जो यह इसे यत्नपूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। सनत कुमार जी बोले, हे वैद्य जी, अब शुक्र मुनि ने मृत्यु संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी, वही वृत्तांत हमें सुनाओ। पहले शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। वहाँ उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक रूप खुदवाया। 32 शेर पंचामृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी की मनोहर पूजा की। फिर स्तुतिपूर्वक शिव सहस्र नाम तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिव जी उन्हें कुछ वर न दिया, तो शुक्र ने अत्यंत कठिनी दूसरे नियमों का ग्रहण कर लिया और भावना रूपी जलों से अत्यंत चंचल शिद्ध चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक कन और धूप पान करते रहे। तब शिवजी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। शुक्र जी ने परम पुलकित हो शिवजी के प्रणाम किया और शिर झुकाकर अंजलि बांधे जय जय उच्चारण करते हुए शिवजी की बड़ी स्तुति की। उनकी अदीर्घ स्तुति यहाँ कहीं नहीं की जा सकती, परंतु वह शिवाष्टक है और बड़ा ही सुंदर है। शुक्र के उस अष्टक को सुन शिवजी इतने प्रसन्न हो गए तथा स्तुति कर पृथ्वी में गिरे हुए शुक्र को उन्होंने हाथ से उठाकर आलिंगन कर लिया। फिर प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इसकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय जो मांगो वो वर में देने को मैं तैयार हूँ। वह भी समय आवेगा जब तुम इस शरीर से मेरे उदर गुहा में प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग से निकले पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ।
इसके अतिरिक्त मैंने जिस मृत्यु संजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह भी मैं तुम्हें देता हूँ। इस विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकोगे और जिस कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान जो जपेगा तो इस सत्येश्वरी विद्या का प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी हो जाओगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर ही विवाहादि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्य धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने जो यह शुक्रेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सभी सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। हे व्याजी, शुक्र ने जिस प्रकार यह मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की है वह मैंने तुम्हें सुनाई, अब इसके आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। व्याजी बोले, हे सर्वेद्ञ सनत कुमार जी, यह तो शिवनागृह शिवानुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। अब कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिवजी ने वानासुर को गणपति पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र के महाप्रभु शंकर की वानासुर पर कृपा और भगवान शिव की कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिसके पुत्र महामुनि कश्यप जी भी है ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि बढ़ाने वाले हुए हैं। उन कश्यप मुनि सुशील 13 स्त्रियाँ थी जो दक्ष की कन्या थी। उनमें सबसे बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्यकश्यप नामक उसके दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनको हिरण्यकश्यप को हाद अनुहाद सहाद और प्रहलाद नाम के चार पुत्र क्रम से उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में भी कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन भी इतना दानी था, उसने ब्राह्मण का रूप इंद्र के मांगने पर उसे अपना शिर काट कर दे दिया था। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी विष्णु के मांगने पर उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी थी। उसी बलि का औरस पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता बुद्धिमान और हजारों का दान देने वाला शंकर जी का परम भक्त बानासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों को राजाओं को जीतकर शोनित नाम वाली नगरी बसा हुआ वहाँ राज्य करना आरंभ कर गया। एक समय उस महादैत्य ने अपनी हजार भुजाओं के वाद्य से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की, वरदान देने आए। बलिपुत्र बानासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उसकी उस शोनितपुर नगरी की तट पर बहती हुई नदी किनारे देवता तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्यगान किया। मुनियों ने आकर शिव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और स्तुति से जय जय कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिवजी सब देवताओं और सिद्धों जल क्रीड़ा देखने लगे। इसके पश्चात शिवजी भी क्रीड़ा विहीर उन्मत्त हो गए और नंदेश्वर की कैलाश से श्रृंगार युक्त पार्वती को बुला भेजा। पतिव्रता पार्वती शीघ्र ही श्रृंगार कर शंकर के पास आने का उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने से पहले ही शंकर उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं ने यह विचार किया कि इस समय जो शंकर के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुरुक्त हो जाए उसे शिवजी सब स्त्रियों में दिव्य रानी बना देंगे। इससे कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने शिवजी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती जी भी आ गई। उन्होंने आते ही कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने चित्रलेखा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल की द्वादशी के आधी रात बीतने पर तुझे सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा और तू उसी की स्त्री होगी। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जाकर क्रीड़ा करने लगी। इसके पश्चात शिवजी वहाँ से अंतर्धान हो गए। उषा का चरित्र।
सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध देवश गर्वित वानासुर ने जब तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया, वह पार्वती सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधा को झुका हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैंने इतना बली हूँ। आपने मुझे यह 1000 भुजाएँ दी है, इनमें मैं लेकर जाकर क्यों रहूँ और इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध में बिना इन पर्वत के भुजाओं से क्या लाभ है? मैं जब इन पुष्ट भुजाओं को खुजली मिटाने दिग्गजों से युद्ध करने लगा तो यह पर्वतों को चूर्ण करके इच्छा से गया और वे डर से भाग गया। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नैऋत्य सबको जीत लिया। अब आप ही एक ऐसा जिनसे कोई नहीं जीत सकता। अंत एवं आप मुझे उस युद्ध का समय बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्र से जर्जरित भूत हो, यह सहस्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिरावे जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं कि सुन भक्ति बहारी, शिवजी का क्रोध होकर बोले, अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्ति बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पावेगा और मेरा ही समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी पर्वतकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में वायु का उत्पाद होगा तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। यह वानासुर के दिव्य पुष्पों से शंकर जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपना घर बुलाया। फिर कुमांड से सब वृत्तांत को उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तब एक समय देव योग से वानासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भग्न हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने के लिए चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ गई। वह देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा है, कहाँ से युद्ध करने आवेगा, भला ऐसा कौन है जो मेरे इन 1000 भुजाओं को आके काष्ठ के समान काटेगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहाँ आ पहुँचे जहाँ वानासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर श्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतपुर से सो रही थी। तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनंत के समान सोती हुई उस कन्या के पास पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारका में चला आया। अब अपने दूषित हुआ जान वह अपनी सखियों को कुवाच कहकर शरीर त्यागने चले। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने जो उसकी पूर्व कथा सुनाई तो वह फिर अपने उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्व, सिद्ध नागों का चित्र खींचा, मनुष्यों के उत्तम अनेक राम, कृष्ण, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब चित्र को देखकर उषा लज्जित हुई, नीचे मुख कर मन में बहुत प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर उसके कुलादि का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर बानासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वह अपनी सखी से उसके पान की उत्कंठा प्रकट करने लगी और बोली, चाहे जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगे। उसके मन में योगिनी द्वारका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार को शैया उठाकर सिर पर रखकर क्षण मात्र शोनितपुर आ गई। उषा उससे आश्चर्यचकित हो गई, उससे काम क्रीड़ा करने लगी। परंतु जो ही उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया तो ही उसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बानासुर को दी और कन्या का दूषण सुन बानासुर को बड़ा क्रोध आया। फिर क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका शिर काटने को कहा। उसने कहा, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, इसके इस बलात्कार का यह फल इसे दो। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे बानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इसे प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिव जी के सबके ईश्वर है, इन्हीं के आदिन यह चराचर जगत है। वह सबके अंतर्यामी निर्विकार है, अविनाशी, मायाधिपति और निर्गुण है। देर नहीं है, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बानासुर ने अनुरुद्ध को नहीं मारा और अंतपुर में जाकर उत्तमतम मद्यपान कर अनुरुद्ध को बंद करा दिया। फिर प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनुरुद्ध ने देवी ने दुर्गा का स्मरण किया। अनुरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी को उस गाढ़ रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट होकर उसे पिंजड़े से तोड़ दिया। अनुरुद्ध शिव शक्ति से छूटकर बानासुर की कन्या के पास गया। वह पानीय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल लाल नेत्र किए बानासुर की कन्या के साथ पहले जैसा विवाह विहार किया।